हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्राफ्ट और मॉडल के एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप एक बेस्ट मेथड से आप इस तरीके के जो आपकी गाड़ी में एम्बलम निकल जाते हैं उनको आप चिपका सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये इसमें यहाँ से इंडिगो गायब हो गया है, यहाँ से क्वाट्रा जेट और जो 90 की बैजिंग होती है वो गायब हो गई है। और अगर इस गाड़ी में देखें तो यहाँ पर टाटा की बैजिंग गायब हो गई है, इंडिगो का आई गायब हो गया है। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास में कुछ बैज हमने मंगवाए हैं रिटेल मार्केट से। और हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसकी जो पुरानी जगह उसको साफ़ किया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने पहले घासलेट से इसको साफ़ कर लिया है, और लेकिन इसकी जो जगह है ये पूरी तरीके से जब तक साफ़ ना हो तब तक आपको ये नहीं करना होता है। इसको पकड़िए एक बार, आपको ये इस तरीके का फनर लेना है ताकि ये बिल्कुल प्लेन होता है, स्क्रैचेस ना हो। आपको एक बहुत ही जेंटल वे में इसका जो पुराना हिस्सा है इसको इस तरीके से निकालना है। देखिए पुराने जो गोंद है वो आपको इसमें से निकालना है। थोड़ी देर इसको अगर आप गला भी लेंगे घासलेट से तो भी आसानी से निकल जाएगा। आप देखिए हाथ फेरने से ये बिल्कुल साफ़ हो गया है, बस इसके जो मार्किंग है वो रह गई है थोड़ी सी। अब इसको हम इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा और घिसेंगे ताकि बिल्कुल प्लेन हो जाए। चाहे तो पानी से सब से, क्योंकि क्या होता है कई बार जो दाग है वो ऑयल के दाग ना होके धूल मिट्टी के जो दाग होते हैं वो आपके पेट्रोल वाले पेट्रोल या जो फ्यूल टाइप के जो लिक्विड होते हैं उससे साफ़ नहीं होते। अब आइए इसको एक बार पानी से भी साफ़ करके देख लेते हैं। पिछले वाले की तरह दोस्तों इसको भी हमने पहले लाइट फ्यूल केरोसिन या पेट्रोल से साफ़ किया, उसके बाद में पानी वाले जो डर्ट होती है, जो वाटर सॉल्युबल डर्ट होती है, उसको निकालने के लिए हमने जो हैंड सैनिटाइज़र है उससे भी इसको साफ़ किया है। अब आइए इसमें सबसे पहले जो इसका एम्बलम है उसको चिपका देते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास में टाटा के ओरिजिनल एम्बलम हम लोगों ने जो है रिटेल मार्केट से लिए हैं। काफ़ी महंगा सेट आता है इसका, अगर इसका पूरा सेट लेंगे तो लगभग 1000 से 1200 रुपये का आता है, और महंगा ही आता है। बल्कि मैंने अपनी टाटा मांजा के लिए क्वाट्रा जेट 90 का भी बैच लिया है, और चूंकि मेरी गाड़ी में ABS भी है तो उसकी भी बैजिंग मुझे चिपकानी है, पर चूंकि अभी क्वाट्रा जेट की बैजिंग मुझे नहीं मिली है इसलिए मैं फ़िलहाल इसको छोड़ रहा हूँ। इसमें मेरे पास में इंडिगो और टाटा की बैजिंग फ़िलहाल मुझे चिपकानी है दोनों गाड़ियों में। तो आइए अब इनको लेके चलते हैं। तो दोस्तों इस जगह को हमने बहुत अलग अलग दो तरीके से साफ़ किया है। पहला तो जो लाइट फ्यूल है उससे किया है, और दूसरा हमने जो हैंड सैनिटाइज़र है उससे किया है। अब ये टाटा की जो ओरिजिनल बैजिंग है इसको हम इसका जो पीछे का स्टिकर, सबसे पहले तो ये सामने का निकाल देते हैं हम, और पीछे का जो स्टिकर है उसको निकालेंगे हम कुछ इस तरीके से। और इसकी जो पुरानी बैजिंग है जहाँ पर लगी थी इसको एक दो उंगलियों के सहारे इसका जो बिल्कुल जो पुरानी जगह है वहीं पे लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। सारी कुछ जो जो उसके निशान है उस निशानों को मिलाते हुए एक बार बिना दबाए उसको थोड़ा दूर से चेक कर लें बराबर ये से है या नहीं है। मेरे हिसाब से बिल्कुल सीधा है क्योंकि मैंने पूरे निशानों पर ही लिया है इसको। अब इसको आप थोड़ा अच्छे से चिपका दें और फिर इसको थोड़ा सा हिला के देखें कि ये जो इसमें जो डबल साइडेड टेप है वो प्रॉपर तरीके से इसमें चिपका है नहीं। और अगर कहीं भी आपको लगे कि ये ठीक से नहीं चिपका हिल रहा है, वैसे अगर ओरिजिनल जब आप इसके एम्बलम लेंगे टाटा के ओरिजिनल तो ये बहुत तेज़ी से चिपकता है और निकलता नहीं इतनी आसानी से। लेकिन अगर आप जो सेकेंड ग्रेड का जो मटेरियल होता है अगर वो लेंगे तो उसमें आपको फेविक्विक भी लगाना पड़ेगा। तो टाटा का ये एम्बलम हमने यहाँ लगा दिया। अब आइए जो इंडिगो का एम्बलम जो हमारी दूसरी गाड़ी है उसमें लगाते हैं। तो दोस्तों इसमें भी हमें सेम वही प्रोसीजर करनी है। दो तरीके से इसको साफ़ कर चुके हैं, एक बार हाथ से भी दोबारा से एक बार फील कर लेंगे कुछ जो अंड्यूलेटिंग सरफेस है वो इसमें नहीं होना चाहिए। इसमें भी सेम हम कुछ इस तरीके से इसका जो पहले सामने वाला जो रैपर है उसको निकाल देंगे ताकि पकड़ने में आसानी हो, और उसके बाद में पीछे का जो स्टिकर वाला है उसको भी निकालेंगे, और जो पुरानी जगह है उससे थोड़ा सा इसको मैच कर लेंगे और उसी जगह पे कोशिश करेंगे कि सेम उसी जगह पे ये उसी डिस्टेंस पे
ये भी लगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिगो मांजा की जो बैजिंग है वो बिल्कुल हमने सेम उसी जगह पे लगाई है। क्योंकि ये ओरिजिनल है इसलिए इसको बस हल्का सा चिपकाएंगे और थोड़ा सा हिला के देखेंगे कि ये हिल तो नहीं रहा है। अभी फ़िलहाल ये हिल रहा है थोड़ा सा। अब इसको हम कुछ देर के लिए छोड़ देंगे और अब ये बहुत बढ़िया दिख रहा है दोस्तों। बाकी एम्बलम की तरह यहाँ पर भी हमने एक दूसरी वीडियो में देख के ये जो ABS का जो बैजिंग है उसको भी यहाँ पर चिपका दिया है, और जो बाकी बैजिंग है वो तो हमने चिपका ही दी थी। तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। हालांकि यहाँ LN की जगह पे ऑरा होना चाहिए था, बट अभी उसमें ऑलरेडी ये बैजिंग थी और इस गाड़ी में ABS दिया हुआ है, तो ABS की बैजिंग हमने इसमें इस तरफ ड्राइवर साइड तरफ पेस्ट कर दी है। तो बेसिकली इस वीडियो का मेन मोटिव ये था कि आपको बताएं कि जब भी इस तरीके की एम्बलम आप अपनी गाड़ी में चिपकाएं तो उससे पहले आपको क्या डूज एंड डोंट्स फॉलो करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो जिसमें हमने आज आपको जो क्रोम प्लेटेड एम्बलम है उसको पेस्ट करना बताया, आपको पसंद आया होगा। तो बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए क्राफ्ट और मॉडल। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए काम के साथ में, कुछ नई जानकारी को लेकर। तब तक थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.